कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने के लिए महापालिका ने कोरोना टेस्टिंग का प्रमाण बढ़ाया है। एंटीजन और आरटीपीसीआर मिलकर हर रोज 2000 संशयित मरीजों की टेस्ट कर रहे हैं। मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार में भी एंटीजन टेस्ट केंद्र शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीटीवी न्यूज। नई मुंबई में कोरोना टेस्टिंग का अहवाल देरी से प्राप्त होने की घटनाएं सामने आ रही है। इस वजह से अब नेरुल में स्वतंत्र टेस्टिंग प्रयोगशाला शुरू करने का निर्णय लिया गया है। शनिवार तक यह प्रयोगशाला शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीटीवी न्यूज। लॉकडाउन की वजह से वाणिज्य उपयोग में लाए जाने वाले जगहों के भाड़े कम हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों ने भाड़े देना संभव न होने की वजह से व्यवसाय बंद किए हैं। इस वजह से व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों दुकान गाले बंद पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीटीवी न्यूज। लॉकडाउन की वजह से माथाड़ी कामगारों के रोजगार पर उसका असर हुआ है। इस आर्थिक संकट के घड़ी में माथाड़ी कामगारों को दिलासा देने के लिए कामगारों को राखी निधि से 5000 रुपए आर्थिक सहायता देने की सूचना दी गई है। इसी के साथ कामगारों को बीमा संरक्षण और रेलवे से यातायात करने के लिए QR कोड ई पास देने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीटीवी न्यूज। मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार में खरीदी के लिए फिर से बड़ी मात्रा में भीड़ हो रही है। इसी के साथ यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीटीवी न्यूज।